हेलो अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल के छो के हाल है के मो ना छो का सकाय वेलकम टू माय वर्क। हम काम करते हैं एज अटेंडेंट। ये हमारे दोस्त है, हमका ये सब नहीं हो पाता है। ये भाई लोग हम पे रहम करके छोड़ देते हैं। शेड पे जाने का ऑर्डर आया है, चले हमारे शब्बीर भाई से मिलाते हैं। आज के बाद हम व्लॉगिंग कर रहे हैं भाई, हमको पहले जाना पड़ेगा दरवाजा खोलने के लिए। वेलकम टू इंडियाज वन एंड ओनली कराकुल शीप फार्म खुम्बथंग कारगिल लद्दाख। कराकुल इज एन एग्जॉटिक ब्रीड जिसका दुम मोटा होता है। जैसे कैमल का हम्प होता है वैसे कराकुल का दुम होता है। हार्श क्लाइमेट के लिए ज्यादा सुइटेबल होता है। आज बर्फबारी भी हो रही है तो हमारे शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया है। मुझे एक गिम्बल चाहिए। ये है रैम सेक्शन, रैम मतलब मेल सेक्शन। ये है सूर सेक्शन, सूर इज एक्चुअली ए कलर। ईव्स एंड हॉगेट, ईव्स उनको कहा जाता है जिन्होंने एक दो बार बच्चा दिया हो या तीन चार साल के हो। हॉगेट उनको कहा जाता है जिन्होंने कभी बच्चा नहीं दिया हो, इस साल देने के लिए तैयार हो। हमारा वर्क शेड्यूल देख लीजिए। एज अटेंडेंट बहुत सारा काम करना पड़ता है। हम आपको अपना काम दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। घर के बाहर निकले हैं, फिलहाल के लिए काम खत्म। नजारा देखिए भैया, नजारा। हमारा खलील साहब बहुत होनहार आदमी है, देखिए हाथ से इशारा भी कर रहे हैं। और इन गाड़ियों का क्या कीजिएगा, अब ये जब तक धूप ना है तब तक सही रखना पड़ेगा। नजारे दिखाने के लिए हमको गिम्बल चाहिए। गूगल पे नंबर दे देते कॉमेंट में। सेकंड काम इनको पानी पिलाना। बर्फबारी अभी भी रुक नहीं रही है। आप लोगों को बताते चलूं कि अगर बर्फबारी रुक जाती है तो हमारा ड्यूटी ये होता है कि हम शेड को साफ करें, साथ ही साथ में पैडॉक्स को भी साफ करें और लाइफ स्टॉक को पैडॉक्स में डालें। लेकिन बर्फबारी अभी भी चालू है, इसीलिए सारा काम अंदर शेड के अंदर ही होगा। हमारे मैक्सी मैक्स टर्किश कंगाल, प्योर टर्किश कंगाल है ये। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं कि टर्किश कंगाल कैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं। मिस्टर खलील हमारे बुला रहे हैं हमको, पुत्ता जिंदो। और ये आ रहे हैं। ओ भाई इधर कुछ नहीं है भाई, आज बर्फ हो रही है, आप नीचे चले मेहरबानी। निकले शाबाश, थोड़े से व्हाइट स्नो में ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। चलो 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 मेरे भाइयों, चलो भाइयों, ऐसे रुकने का ना, समझे हो क्या? रुकेगा तो काम कैसे चलेगा? हाथ को ऐसे ऐसे फिराने से ये लोग आगे बढ़ते हैं, दोनों हाथ को करने से ज्यादा चलते हैं। अगर यहाँ से इस साइड करना है तो इस हाथ को उठाना है, राइट से लेफ्ट करना है तो राइट हैंड को उठाना है।
वहां से गिनती होके आ रही है। आना जाना उठना बैठना सब पे एक बार काउंटिंग जरूर होता है एंड द फाइनल ओके कॉल इज देयर। एंड मैं जाता हूँ लाइव स्टॉक के साथ इनको पानी देने के लिए, और मेरे दो भाई गुलाम और शब्बीर वो लोग शेर को संभालते हैं, काम बटा हुआ है। और वहाँ से वो ब्लैक का प्लाटून आ रहा है, ब्लैक और सूर ऑलमोस्ट इन दिनों में या कभी कभार साथ में वाटरिंग के लिए जाते हैं। तो इनका जब ये साथ में जाते हैं यहाँ से दोनों मिलते हैं, वहाँ से ब्लैक आ रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ इस कलर को सूर बोलते हैं। साहब टर्किश कंगाल के साथ टिबेटन मैस्टिफ के रिश्तेदार भी आ रहे हैं वहाँ से, ये दोनों जाएंगे मेरे साथ ड्यूटी पे। जाओगे आप लोग? और काला और सुर दोनों मिलके बनता है काला सुर। मैक्स 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 थोड़ा शेरू साढ़े जा साढ़े जा ए, 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 ए। ये लोग दोस्त हो चुके हैं, ये कुत्ते और ये लैम्स जो है सब दोस्ती पे आ चुका है, तो ये लोग खेलते रहते हैं एक दूसरे से, इनकी खेल खेल में हमारी जान निकल जाती है। जा बेटा साइड हो जा, शाबाश 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 शाबाश, ए ए ए आराम से बैठो, ये लोग हमारे साथ खेल रहे हैं यार। शेरो शेरो मिस्टर खलील आ रहे हैं यहाँ पे, इनको देखो ये काफी ओबेइंग है, इनके मुंह पे देखो ससुरा, कंगाल का मुंह मांस मुंह होता है, इनको बर्फ में खेलना बहुत अच्छा लगता है। ए मैक्स कम ऑन ब्रो, और आप नजारा देख सकते हैं कितना प्यारा नजारा। खलील साहब आगे बढ़ेंगे यहाँ से, खलील साहब की ड्यूटी थोड़ी सी टफ, खलील साहब स्केटिंग फुक्का दो ब्रो, कहाँ से उतरे, बहुत ज्यादा स्लिपरी यहाँ पे। यहाँ से बहुत ज्यादा स्लिपरी, बहुत ही ज्यादा ध्यान से जाना पड़ेगा यहाँ से। हाय बोला, इनको चोट लगी है, अब शायद मुझे ही जाना पड़ेगा। इज इट ब्लीडिंग ब्रो, दिखाइए तो। ओहो इनके हाथ थोड़े से, मैं भागना पड़ेगा भाई मुझे, अब फोन लेके नहीं भाग सकता मैं। और टर्किश कंगाल अपना ड्यूटी निभाते हुए लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर से नीचे आने के बाद हम पहुंचते हैं दरिया पे। दिस रिवर इज कॉल्ड द रिवर सुरु, और इसका जो है बर्फ हमको लगभग सुबह का टाइम पे आके तोड़ना पड़ता है ताकि हमारा लाइफ स्टॉक अच्छे से पानी पी सके। रास्ता देखिए कितना खराब है, ये लोग जल्दी से पानी पी के वापस आ जाते हैं, फिर जिन्होंने नहीं पिया वो नहीं पी पाते, इसलिए इनको थोड़ा भगाते रहना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कैसे पानी पिया जा रहा है, वो एंड पे बिल्कुल क्लिफ पे जाके पानी पीते हैं। और हाय नहीं 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 नहीं, नहीं। मिस्टर खलील को थोड़ी सी चोट आई है, वो काफी होनहार लड़का, अकेले ही चाहे तो फॉर्म को पूरा संभाल सकते हैं, इतना ताकतवर। और देखते रहना पड़ता है कहीं कोई क्लिफ से गिर ना जाए, वैसे अमूमन गिरता नहीं है क्योंकि इस साइड में बनाया गया है थोड़ा पत्थर वत्थर डाल के ताकि ज़्यादा गहरा ना हो। थोड़ा बर्फ भी कभी कभार ये लोग फन के लिए चबा लेते हैं। और ये काराकुल जो है इतना डिजीज रेजिस्टेंट होता है कि इनको कुछ नहीं होता। हाँ, हाँ, नहीं 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 लाइफ स्टॉक पूरा संभाल रहा हूँ, ऑलमोस्ट यहाँ पे 300 अबव लाइफ स्टॉक है इसी में, 301 और 302 ऐसा कुछ है। आए, आए। और तो ऑलमोस्ट ये लोग पानी पी चुके हैं, क्लिफ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं छोड़ रहा हूँ इनको, अब ये लोग जाएंगे सीधा ऊपर, उधर से मिस्टर खलील संभाल लेंगे आगे से, उनको अगर ज़्यादा चोट ना आई हो, नहीं तो उसके सप्लीमेंट्री में कोई और आएगा।
यहाँ से देखते रहना पड़ता है कि कोई छूट ना जाए, और ये लोग जाते हैं यहाँ से। एंड थैंक्स टू जिनका भी ये ओल है, वो हमें अलाउ करते हैं यहाँ से वाटरिंग के लिए ले जाने देते हैं, और वो बहुत अच्छे आदमी हैं। वाटरिंग को इतना नीचे दूर लाने की एक ही मकसद है कि इनका एक्सरसाइज हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वाटरिंग के साथ साथ प्रॉपर फीडिंग के साथ साथ इनका एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये लोग बहुत सारे बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अगर कोई भी हल्का सा भी बीमार दिखे, स्टाफ इनका पूरा ध्यान रखते हैं, 24/7 यहाँ पर रहते हैं। घर जाने का मौका बहुत कम मिलता है, इसके बावजूद भी हमें एसेंशियल सर्विस में शायद नहीं गिना जाता, और वो पुलिस मेडिकल जो भी है उनका जैसा सैलरी भी हमें नहीं मिलता। सो सैड, बट क्या पता कोई इस वीडियो को जरिए सुन रहा हो और हमें मिले कुछ, हमारा लाइवलीहुड भी अच्छी तरह बढ़े। इन जानवरों को देखना, देखभाल करना हम सिर्फ अपना काम नहीं समझते बल्कि प्यार समझते हैं। हमारा इनकी तरफ प्यार, इनका हमारी तरफ दुआएं। सो दैट्स हाउ द ट्रांजैक्शन वर्क्स। मनी इज़ वेरी लिटिल बट द सेटिस्फेक्शन इज़ ऑन पीक। आई थिंक खलील हैज़ बीन इंजर्ड, दस ही कैन नॉट मूव और समथिंग। ए सप्लीमेंट्री मस्ट बी देयर, सो वी आर मूविंग बैक फ्रॉम द वॉटरिंग। इट्स ऑलमोस्ट 1.5 to 2 kilometers। मेरी सांस जो है बिल्कुल नहीं फूल रही है, मैं बहुत फिट और पतला हूँ। वॉटरिंग के साथ साथ एक्सरसाइज थोड़ी सी अपनी भी और इनकी प्री बहुत है। आज पेड़ का सहारा लेके, किसी पत्थर का सहारा लेके ऊपर चढ़ रहे हैं हम, और टर्किश कंगाल को देखिए, ड्यूटी बराबर देते हैं ये। जब भी पानी के लिए ले जाते हैं ये दोनों आते हैं और साथ में चलते हैं, क्योंकि वाटरिंग के दौरान यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड डॉग्स आते हैं, भेड़िया आता है, कैटीज आता है, वुल्फ जिसको भी कहा जाता है, उनके अटैक का खतरा होता है। सो दीज डॉग्स आर सर्विस डॉग्स, ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। दीज प्रोटेक्टिव डॉग्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव फॉर देयर ओनर्स, एंड लाइफ स्टॉक को ये अपना दोस्त मानते हैं और लाइफ स्टॉक के साथ ही रहते हैं, इनके साथ खेलते कूदते भी। हो शिट, बहुत ही ज़्यादा थका हुआ मैं आ रहा हूँ। एंड मिस्टर खलील हैज़ बीन इंजर्ड एंड आई वॉज ऑल अलोन टूडे अनफॉर्चुनेटली, बट दैट्स ओके, कोई होता है। एंड आई होप कि उनको ज़्यादा चोट ना आई हो। देखिए लाइफ स्टॉक के साथ यही दिक्कत होता है, मेरा दोस्त को चोट लगा पर मैं उसके साथ नहीं रुक सकता था, क्योंकि लाइफ स्टॉक बिखर जाता नहीं तो, इसलिए ड्यूटी इज फर्स्ट। और वो हमारे शर्ट से ज़्यादा दूर भी इंजर्ड नहीं हुए, तो वो अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। हमारी रोज ऐसी एक्सरसाइज होती रहती है। अभी ये पूरा स्टेप चढ़ना है मेरे को और मैं सिर्फ 88 kgs का हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। और ये फाइनल स्टेप मेरा माउंट एवरेस्ट यही है, मेरा K2 यही है। फाइनली ऊपर पहुँच गया, इतना टफ ड्यूटी, बट ड्यूटी इज ड्यूटी एंड ड्यूटी इज ड्यूटी। रोज यही ड्रिल होता है मेरा, एंड एक डेस्क जॉब्स है, मैं इसको प्रेफरेंस करता हूँ और बड़े दिल से प्रेफरेंस करता हूँ, क्योंकि कोई भी काम जिसमें आप टेक्निकल लाइन में हो और थोड़ी सी कसरत हो, जानवरों का दुआ हो, ढेर सारा खुशी, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ओ खाली गार सो फोक सकता खो फोक सकता यहाँ चाविंदा। आई थिंक ही इज फाइन, बस
थोड़े से कट है, एक दो घंटे के लिए फिर से रूम में जाएंगे, लंच वंच करेंगे, इसके बाद आएंगे लाइव स्टॉक को फाइनल फीडिंग करेंगे। और वो सब वीडियो नहीं दिखाऊंगा मैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फीडिंग आपने देखा कैसे होता है, वैसे ही होता है फीडिंग। एंड फीड और घास तो वैसे भी इन्होंने दे के आया होगा, तो लास्ट में थोड़ा सा घास उड़ाना है। और शेर अपने गुफाओं में फिर से जाते हुए, अगर शोर नहीं करते हुए, हाँ ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इस ब्यूटीफुल व्यू का आप लोग भी लुत्फ उठा सकते हैं, मज़े ले सकते हैं।